जहाज बांडा की तकरीबन 4 घंटे की थका देने वाली चढ़ाई, रास्ते की दुश्वारी और मौसम से नबर्द आजमा होते हुए जब सामने एक वसी दिलफरेब मैदान आया तो जैसे आंखें झपकना भूल गईं। फलक शिगाफ पहाड़ों के दामन में सब्जे से भरा एक दिलनशी मैदान जिसका हुस्न मबहूत कर देने वाला है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक दूसरी जंगे अजीम में इस सरसब्ज मैदान में कोई जहाज उतरा था जिसकी मुनासिबत से इस जगह का नाम जहाज बांडा पड़ गया। देवदार के दरख्तों का जंगल, शोर मचाती नदियां और हरे भरे वसीओ अरीज मैदान इस वादी के देवमलाई हुस्न को 4 चांद लगाते हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ धूप की तमाजत से पानी पानी हो रही है। ये पानी कुछ इस अंदाज से चलता है कि रास्ते इसके सामने खुद पीछे जा रहे हैं। ये है राजा आबशार। इस आबशार का मुंह जोर पानी बल खाते नागिन दरिया से होता हुआ दरियाए पंजकोड़ा में समा जाता है। जहाज बांडा से तकरीबन 2 घंटे की पैदल उमूदी चढ़ाई और थका देने वाली मुसाफत पर एक हैरत अंगेज और लाजवाल झील डिस्कवर पाकिस्तान की मुंतजर थी। ये जोखिम भरा और मुश्किल सफर उस वक्त एक फरहत बख्श एहसास में तब्दील हो गया जब झील का हुस्न रगो पे में सरायत करता महसूस होने लगा। सबसी माइल नीला पानी, इस झील की साख्त जंगली फूलों की नामानूस लेकिन मुनफरिद महक थके मांदे जिस्मों में जैसे नई रूह फूंक कर इन्हें नए वलवले से नवाजती है। इस झील को बाहों में लिए अतराफ के बर्फ पोश पहाड़ों के सहर अंगेज मनाजर दिलो नजर को सुकून बख्शते हैं।